नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आए दिन कस्बे में व्यापारी प्रतिष्ठानों पर चोरियों की वारदात होना आम सी बात है। सांभर के गोला बाजार में देर रात्रियों को दो व्यापारी की दुकान में रोड के माध्यम से शटर तोड़कर चोरी की वारदात की गई। एक व्यापारी की दुकान में चोरी करने का प्रयास किया गया। इससे पूर्व भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर चोरी की वारदात हुई, जिसमें आज तक भी अपराधी पकड़े नहीं गए। आक्रोशित भय व्याप्त व्यापारियों ने तत्काल चोरों को पकड़ने के लिए थानेदार को शिकायत दर्ज की। व्यापार मंडल के सहयोग करते ही विरोध को अपनाते हुए पूरा बाजार बंद रखा। व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इसको देखते हुए सांभर थानेदार राजीव डूडी ने तुरंत धरना स्थल पर पहुंचकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र नारनोली एवं आला अधिकारी से बातचीत कर उनको समझाया। उसके बाद धरने से व्यापारी मंडल उठकर धरने को समापन कर दिया। मामले में व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भेजा। सापन थानेदार राजीव डूडी ने पत्रकार ब्यूरो चीफ गोस्वामी को बताया कि पुलिस जवान पूरी रात्रि गश्त कर रहे थे। रात को 11 बजे के बाद लेकर सुबह 5 बजे तक किसी को भी घूमते हुए नजर नहीं देखा। उन तो रेलवे टिकट नहीं, बस टिकट नहीं उनको देखना पड़ता है, नहीं तो शक की नज़र में उसको थाने में लेके जाकर पूछताछ की जाती है। अभी हमारा गश्त के साथ व्यापार मंडल के 5 सदस्य भी रात को गश्त पर रहेंगे। व्यापार मंडल के शिकायत से मैंने FIR काट दिया और बहुत जल्द ही हमारे पुलिस जवान मुलजिमों को पकड़ लेंगे। अगर इतनी बड़ी चोरी करके जा रहा है, ताला नहीं तोड़ रहा है, शटर को बेंड कर रहा है भाई साहब, शटर को बेंड करने के लिए 5 आदमी की जरूरत पड़ती है। भले औजार क्यों नहीं हो, फिर भी 5 आदमी की जरूरत पड़ती है। 2 ध्यान रखने वाले, 2 करने वाले, 1 घुसने वाला, फिर भी 5 आदमी कम से कम जरूरत पड़ती है। प्रशासन कहता है हम चक्कर काटते हैं रात को, क्या उनका चक्कर ऐसे ही काटते हैं क्या? वो इस ढंग से चक्कर काटते हैं कि आए दिन चोरी होती रहे और कस्बेवासी चोरियों से पीड़ित होते रहे। हर व्यापारी को पीड़िता है, सुनाई होती नहीं है। वहाँ जाओ तो जाके बस एप्लीकेशन दे के आ जाओ, डाक के 3 पात बाद वहाँ की भाई एक दिन तो रहता है, दूसरे दिन भूल जाता है आदमी खाया कल क्या खाया था। वो सूल हो रहा है हमारे साथ, हम व्यापारियों के साथ। ये बताइए सर, जो जो जिसका जिसका चोरी हुआ उनका क्या क्या नाम है, दुकान का क्या नाम है? साध पेंसी स्टोर पुरुषोत्तम साध, जिसका शटर पूरा बेंड है, आदमी पूरा आराम से, 2 आदमी आराम से घुस सकता है। दूसरा महावीर प्रसाद, अशोक कुमार एंड सन्स, जिनके प्रोप्राइटर महावीर जी है चौथला वाले जैन, उनका भी शटर इसी प्रकार से है, 2-3 आदमी आराम से नीचे से घुस सकते हैं, आप फोटो ले सकते हो। तीसरा मारुति टी सेंटर है, उनको भी उनके भी कोशिश की, वहाँ कोशिश करते हो सकता है या तो टाइम हो गया हो इसलिए उन्होंने कोशिश को वही नाकाम करके और छोड़ दिया गया और भग गए। ये बताइए इसमें कोई सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था है क्या? सीसीटीवी कैमरा हमारे मार्केट में पहले लगा हुआ था, परंतु खराब हुआ या नहीं हुआ, प्रशासन उसको उतार ले गया। तो मतलब नगर पालिका प्रशासन भी है, ये सीसीटीवी का जो जिम्मेदारी लिया था वो भी फेल हो गया? वो भी फेल है, नगर पालिका तो बिल्कुल ही फेल है। नगर पालिका तो हमारी सफाई नहीं होती है, किसी व्यापारी को पूछ लो अगर होती हो तो। FIR जहाँ वारदात घटी है वहीं हम व्यापारी गण FIR देना चाहते हैं, वहीं हम संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारी प्रशासन ने सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये हमें थोड़ा मन में आश्वासन मिल सकता है कि भाई यहाँ सुन रहा है, यहाँ तक आया हमारे पास प्रशासन, हमारी पीड़ित की सुनने के लिए आया है। इसलिए हम जहाँ वारदात घटी है वहीं हम दरी लेकर बैठे हुए हैं, वहीं हम FIR देंगे। हमारी वहीं से FIR लॉज होनी चाहिए। ये बताइए सर, जो जो जिसका इसका चोरी हुआ उनका क्या क्या नाम है, दुकान का क्या नाम है? साद पेंसी स्टोर पुरुषोत्तम साद, जिसका शटर पूरा बेंड है, आदमी पूरा आराम से, 2 आदमी आराम से घुस सकता है। दूसरा महावीर प्रसाद, अशोक कुमार एंड सन्स, जिनके प्रोप्राइटर महावीर जी है चौथला वाले जैन, उनका भी शटर इसी प्रकार से है, 2-3 आदमी आराम से नीचे से घुस सकते हैं, आप फोटो ले सकते हो। तीसरा मारुति टी सेंटर है, उनको भी उनके भी कोशिश की, वहाँ कोशिश कैसे ड्रिल किया और बहुत आसानी से व्यापार महासंघ आपके ऊपर खुश हुआ? नहीं, खुश होने वाली कोई बात नहीं थी। व्यापार महासंघ के का कहना था कि रात को 2 जगह चोरी हुई, बिल्कुल चोरी हुई थी, मैं सुबह जाके देख भी आया था। अब हमने व्यापार मंडल के सहयोग से और पुलिस ने मिलकर के एक योजना बनाई है, जिसके तहत व्यापार मंडल के सदस्य स्वैच्छिक रूप से और पुलिस का सहयोग करेंगे,
उनके साथ में हमारा पुलिस का कांस्टेबल भी रहेगा और रात्रि में 11 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक रोजाना गश्त करेंगे। इस तरह से व्यापार मंडल के लगभग 800 सदस्य हैं, तो उनका उनकी बारी दोबारा आने में लगभग 1.5 से 2 महीने लगेंगे। 1.5 से 2 महीनों में उनको एक बार रात को वो गश्त करेंगे स्वेच्छा से, और पुलिस भी उनके साथ रहेगी, तो गश्त बिल्कुल मुस्तैदी से होगी। और मुझे लगता है आगे इस तरह से ये चोरियां वगैरह जो है वो नहीं हो पाएंगी। पुलिस की गाड़ी को कई बार रात्रि में और दूसरी जगह जाना पड़ जाता है, इसलिए कस्बा अकेला रह जाता है उसमें। तो ऐसे में ये जो पहल है जो हमने और व्यापार मंडल ने मिलकर के की है, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में और अच्छा और सुखद परिणाम देगी। सर जी, इन लोग कोई FIR कटाया क्या आपकी? हाँ, FIR दी है, वो बिल्कुल हम दर्ज कर रहे हैं अभी। जो रात्रि में 2 दुकानों के शटर टूटे हैं और उनमें एक किराने की दुकान है, एक कॉस्मेटिक्स की दुकान है, एक तीसरी दुकान है, उसमें प्रयास हुआ लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। तो सर जी, आपके एक इतनी सुंदर आपके ये प्रोग्राम में कितने दिन के अंदर ये मुलजिम पकड़ में आ सकता है? देखो, हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। बाकी हमने जो एक फुटेज वगैरह भी मिले हैं हमें कुछ संदिग्धों के, तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इन चोरों को पकड़ लेंगे। धन्यवाद सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतनी सुंदर बढ़िया, और हमारा सांबर जनता के तरफ से भी आपको आभार प्रकट करते हैं जो आपने तुरंत ही उस जगह को कवर करके और हमारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को आपने आशा से